और प्रतीत इसलिए है, बहुत सारी बातें पूछेंगे भी और आगे भी बताएंगे, बहुत सारी बातें पूछेंगे और इस मंदिर के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। पटना को जब 1912 में राजधानी के तौर पर तैयार किया जा रहा था, तब इसके नाम पर भी विचार किया जा रहा था कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो बड़ी पटन देवी मंदिर के नाम पर ही पटना का नाम रखा गया था। यहाँ ये पटना की जो बड़ी पटन देवी मंदिर है ना, इनके बारे में आप कुछ बताइए। और यहाँ पे अगर आना होगा पटना जंक्शन से या पटना से कहीं से भी, तो यहाँ पे कैसे आना होगा? यहाँ आने के लिए दो स्टेशन है, एक पटना जंक्शन, एक पास में स्टेशन है गुलजारबाग स्टेशन। गुलजारबाग स्टेशन से 1.25 किलोमीटर पड़ता है और पटना जंक्शन से लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है। ये शक्तिपीठ है, यहाँ सती का दाहिना जंघा गिरा है, भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनको पुराण में सर्वानंद करी भी कहा जाता है, नगर रक्षिका है, नगर भ्रमण करती है। ये जो भी अपने दिल से आप यहाँ आराधना करते हैं, जो मांगते हैं, माँ उनकी को पूरी करती है। और बहुत ही जागृत स्थान है, तीनों शक्तियाँ एक साथ है। इसके भैरव है व्योम के भैरव, जो माँ के गर्भगृह में ही अवस्थित है। अन्य जगह कहीं भी जाएंगे तो भैरव का स्थान माँ से अलग होता है, लेकिन ये शुरू से आदिकाल से गर्भगृह में ही निवास करते हैं। इसलिए इनको सभी प्रकार की आनंद को देने वाली सर्वानंद करी माँ पटनेश्वरी, पटना की नगर देवी है, इनके नाम से ही पटना है सब चीज। और यहाँ पे अभी तक कौन कौन आ चुके हैं? सभी लोग आते हैं यहाँ। कौन आ चुके हैं कि जितने भी नेता हो, अभिनेता हो, सब कोई आते हैं माँ से आराधना करने के लिए, अपने अति करने के लिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, IAS अफसर हों, जो भी है सब कोई आते हैं। ये स्थान जो बन रहा है वही माँ का मूल स्थान है, वहाँ से अभी जगह चेंज कर दिया गया है, वहाँ अभी विराजमान है। और भगवती का मूल स्थान वहाँ जो बन रहा है सो ही है, नवनिर्माण हो रहा है, उसके बाद निर्माण हो जाने के बाद फिर वहीं चली जाएगी। पट सुबह में 5 बजे खुल जाता है, आरती 5:30-6 बजे करीब में होती है और संध्या आरती 8:30 बजे होती है। माँ का स्थान जो है दिन में सायंकाल 12 से 2 बजे तक मंदिर बंद रहता है। मेन स्थान यही है, अन्यत्र कहीं नहीं। पटना में दो स्थान है, एक छोटी पटन देवी, एक बड़ी पटन देवी। जो बड़ी पटन देवी है पश्चिम दरवाजे पर अवस्थित है, छोटी पटन देवी जो राजा मानसिंह के द्वारा अवस्थित है वो पटना सिटी में पड़ता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर का काम चल रहा है और काम जारी है, फिर भी यह देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब बनने के बाद और ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ हम लोगों को बहुत ही शांति का अनुभव हुआ, यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। माँ का आशीर्वाद लिया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा।
अब यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।